शुक्रवार को महंगाई, बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर देश भर में देशव्यापी आंदोलन किए गए। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से महंगाई, बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों को लेकर राजभवन का घेराव किया गया। राजभवन के घेराव के पहले नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। मध्य प्रदेश में कहीं कोई बचा नहीं है, प्रजातंत्र खतरे में है। हम पूरे प्रदेश के नौजवानों से, बुद्धिजीवियों से अपील करते हैं कि संविधान की रक्षा, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए उठ खड़े हो, अन्यथा आज़ादी के पूर्व जो ब्रिटिश सरकार काम करती थी वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस कृत कर रही है। मैं आज समूचे देश में हमारी नेता माननीय सोनिया गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना और बच्चों के और आम आदमी गरीब के भोजन पर जो डाका डालने का काम किया जीएसटी के माध्यम से, इस सब के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में ब्लॉक से लेकर जिला और भोपाल की राजधानी में हम लोग राजभवन में का घेराव करने के लिए अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन देने जा रहे हैं। ईडी और सीबीआई ये सब उनके भारतीय जनता पार्टी के गुलाम बन गए हैं, उनकी एजेंसी बन के विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान करना, उनकी संपत्ति को लूटना, डोजर चला के बर्बाद करना, जो ब्रिटिश सरकार में नहीं हुआ वो इस प्रकार हिटलर के उपासक लोग जो आज सरकार में बैठ गए हैं इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। जनता अब गर्म है, तैयार बैठी है, नाराजगी बढ़ रही है, आक्रोश बढ़ रहा है। ये एक उबाल के साथ जिस प्रकार लंका में जनता ने वहाँ सरकार उखाड़ फेंकी, उसी प्रकार मैं भी अपील करता हूँ मध्य प्रदेश के नौजवानों से, बुद्धिजीवियों से, कि यहाँ भी प्रजातंत्र को बचाने के लिए अब इंतजार नहीं करना। जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती चुनाव के, अब इंतजार नहीं करना सरकार उखाड़ने के लिए। नेशनल हेडलाइन में कोई न भ्रष्टाचार हुआ न कुछ है, कांग्रेस पार्टी की प्रॉपर्टी थी, कांग्रेस पार्टी के हमारे कर्मचारी अधिकारियों को उसमें वेतन भत्ते दिए गए।